एंड 90,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढिए, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस, दैट इज कैरेज इनवर्ड इज 10,000 एंड वेजेस आर 50,000, दोनों को ऐड किया 60, और चेंज इन इन्वेंट्री में क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, जब डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो माइनस करना, कितना 10,000। चलो जी करवाओ, 290 प्लस 60 350, 350 में 10,000 माइनस किया 340, आपके पास ये क्या आया COGS, मैंने क्या निकालना है जीपी, कहीं पे मेरे पास सेल है, कहीं पे टोटल सेल है, ओके, एंड देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिट एंड कैश सेल एज वेल, सो आई नो क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल इज इक्वल टू टोटल सेल, क्रेडिट सेल इज 3 लाख और क्रेडिट सेल और कैश सेल का आपस में रिलेशन कितना है 4:1 का, हाउ विल यू कैलकुलेट इट, क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 3 लाख 5 लाख, निकालिए कैश सेल, निकालिए कैश सेल, रिलेशन दे रखा है रेशियो में, कैलकुलेट करो, कुछ तो करो अपने आप, कैलकुलेट कैश सेल, हाउ विल यू कैलकुलेट इट, बिल्कुल ठीक है, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, क्रेडिट इज टू कैश का रिलेशन है, दिस इज कैश इज इक्वल टू 4:1, ये कितने के पीछे है, दिस इज बियॉन्ड, ये 4 के पीछे है, 4 से डिवाइड करूं मतलब आपके अकॉर्डिंग 125 आएगा, 125 हमारा क्या है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि दिस इज बियॉन्ड 4/5 और मैंने 1/5 की वैल्यू निकाली, ऐसे नहीं होना चाहिए, रेशियो 4/5 नहीं रेशियो बन रही है, 4/5 1/5 1/5 एंड 4/5 नहीं है रेशियो, ये पार्टनरशिप में ऐसे नहीं लिखा करते थे इसे, जब दो पार्टनर्स ए और बी हैं तो एक की रेशियो क्या है 4/5, दूसरे की क्या है 1/5, दिस 4/5 लाख इज बियॉन्ड 4/5, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्स से भी कर सकते हैं, ये 4x है तो ये x है, डिवाइडिंग कर सकते हैं ना ऐसे, तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 लाख आई, नहीं 125 आएगा, ओके 5/5 कट हो जाएगा, ठीक है तो भी सेम ही होगा, ठीक है तो भी 1/5 4 ही होना, 125 करो, ठीक है जी 125 ही आएगा, कर सकते हैं 5/5 कैंसिल ही हो जाना, ठीक है, चलिए जी बस, टोटल सेल क्रेडिट प्लस कैश, क्रेडिट इज 5 लाख, कैश इज 125, सो टोटल सेल आई हैव 625, निकालिए जीपी, अब 625 माइनस 340 कितना आंसर आएगा, 625 माइनस 340 डिडक्टेड 285, दिस इज व्हाट जीपी, 285 डिवाइडेड बाय आरएफओ, 625 इनटू व्हाट 100, दैट विल बी योर आंसर ऑफ जीपी, यू हैव टू कैलकुलेट इट, ठीक है, आंसर देखो मैच करता है, कैलकुलेटेड एंड मैच्ड।